हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं उमड़ियू। तो गाइस, हमारे पापड़ी बड़ी हो चुकी है। हम सच की ए पापड़ी ना पहला पर चल लिया। तो गाइस देखिए, हमने जो पिछली वीडियो में टमाटर बताए थे वो बहुत सारे लग चुके हैं, और ये वाला जो हमने पिछली वाली वीडियो में बताया था वो बड़ा भी हो चुका है, और इस पे मिर्ची भी लग चुकी है, और देखिए छोटा सा बैंगन भी आ गया। और गाइस, उमड़ियू में जो डालते हैं ना, वो सबसे पहले तो केला आती है। गाइस इसको कम्बल बोलते हैं, ये भी उमड़ियू में, इसको पिलवन बोलते हैं, ये भी उमड़ियू में डालते हैं। तो गाइस अभी हम तैयारी कर रहे हैं उमड़ियू का। ये पापड़ी है, इसके अंदर हम शक्कर या कॉर्न डाल रहे हैं। गाइस देखिए, हमने काट दिए हैं कॉर्न, सकरिया कॉर्न। और अभी हमारे पास आलू भी है, और हमारे पास अभी पिंक कलर का भी कॉर्न है। वाह। और अभी हमारे पास पूरा नमक भी है, जिसे हम गुजराती में आखा मीठू भी कहते हैं। ये धड़ासना का गाँव मीठू है। हम अभी आलू डाल रहे हैं, ऐसे काट के डालते हैं उमड़ियू में, उसको ऊपर से एक और इसे एक नीचे से काटना पड़ता है, ऐसे ऊपर से और एक नीचे से, फिर उसके अंदर मसाला भरेंगे। अभी हमने बहुत सारे अभी आलू डाले गए हमने भी। ऐसे ऊपर से और नीचे से अच्छे से काट देना होता है बाबू, और बाद में हम और फिर बाबू करना मसाला डाल दीजिए। ट्रेशी और ध्वेन क्या कर रहे? लॉलीपॉप लॉलीपॉप। अच्छे से मिक्स करते हैं। तो चलो गाइस, इसे अभी हम लोग अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अभी हम आलू के अंदर मसाला भर रहे हैं, उसे ऊपर और नीचे की तरफ अच्छे से भर देते हैं हम। दूसरे आलू के अंदर भी हम लोग अच्छे से भर देते हैं, ऊपर और नीचे की तरफ दोनों में। ऐसे अभी हम आलू में सब कुछ अच्छे से भर देंगे। अभी हम पिंक कॉर्न के अंदर भी ऐसे भर देते हैं, मसाला लगाते हैं, ऐसा ऐसे मसाला लगाते हैं हम। अभी हम जो है सकरिया कॉर्न के अंदर भी जो है ऐसे मसाला भर देते हैं। खाए नहीं बताओ।
तो गाइस अभी हम लोग मटके के अंदर पहले तो हम केला डालेंगे, पहले उसके अंदर हम लोग केला डालेंगे। केला ऐसे रखते हैं, ऐसे रखते हैं, बाद में उसके अंदर पापड़ी डालते हैं, बाद में उसके अंदर पापड़ी डालते हैं। ये अभी हम लोग इसके अंदर पापड़ी डाल रहे हैं, देखिए पापड़ी और बीच बीच में बट आलू। पहले पहले पापड़ी डालना है और फिर बीच बीच के अंदर जो आलू, है आलू सकरिया, फिर शक्कर या कॉर्न और बाद में हम लोग को पिंक कॉर्न भी डाल। लास्ट में जो है जो पापड़ी हमारी बची है उसे हम इसे अच्छे से डाल देंगे। जो ये इसमें 8-10 पापड़ी निकाल के डालते हैं, उसे हम लोग ढाकन बोलते हैं। और फिर हम लोग इसके अंदर ये वाले जो है बचे हुए आलू शक्कर या कॉर्न और पिंक कॉर्न भी डालेंगे। पूरा मटका भरने को आ गया, लेकिन अब जो है हम लोग इसके अंदर घुसा घुसा मार रहे हैं। फिर बाद में फिर बाद में ऊपर केलार का, फिर केलार का ये डाल देंगे, इसको बंद कर देंगे अच्छी तरह से, इसको अच्छी तरीके से जो है हम लोग बंद कर देंगे। और ये केलार का बहुत अच्छा स्वाद स्मेल आता है, और ये केलर का बहुत अच्छा स्मेल आता है, उसकी वजह से जो है उबाड़िया का स्वाद जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाता है और दुगना भी हो जाता है। और उसके बाद हमने जो है इसके अंदर गुस्सा मार मार के सब कुछ इधर हमने पूरा भर दिया है, तो भी मेरी मम्मी नहीं मान रही और गुस्सा मारे जा रही है। गाइज अभी हमारा मटका रेडी हो चुका है, अब हम जलाएंगे इसे, लकड़ी रखेंगे फिर इसे जलाएंगे और फिर हमारा उबाड़ियो रेडी होगा, वो भी आधा घंटा जाएगा इसमें। ऐसे इसको जो है नीचे रख के पहले इसको रखने का मतलब वही है कि हम जब मटके में से तो सब निकाल नहीं सकते पक गया या नहीं गया, इसलिए इसको देखते हैं बाद में, मटका उठा के इसको देखते हैं ये पक गया तो समझो पूरा मटके का पक गया। उसके बाद हमने इसके ऊपर जो है ऐसा उल्टा मटका उल्टा करके रख लिया, बाद में उसको जो है जलाएंगे। अभी हम लकड़ी रख के जलाने वाले हैं। तो ऐसे आपको जो है ऐसे खड़ी लकड़ी रखनी है मटके के आजू बाजू पूरे जो है इसको लकड़ी से भर देना है। तो इसे जो है हम लोग अच्छे से ऐसे कर दिया है हमने, अभी हम इसको जलाएगी। इसको 30 मिनट तक, इसको जो है हम लोग 30 मिनट मीन्स आधा घंटा जो है इसे जलाएंगे, बाद में चेक करेंगे हो गया, बाद में जो है हम लोग चेक करेंगे हो गया है कि बाकी है, अगर नहीं होगा तो और 10-20 मिनट्स जो है हम लोग इसे ऐसे करके रखेंगे। तो गाइस हमारा फाइनली उबाड़ियो तैयार, टेस्टी टेस्टी। हमारे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी करना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और शेयर भी अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना जो गुजराती है, और आप भी ट्राई कर देना। बाय बाय।